नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में आज आपको मैं एक बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइव मार्केट ने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काम किया हुआ है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला हुआ है। फिर उसके बाद इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कंप्लीट लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का साइकोलॉजी इसमें किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, और फिर आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूं। यहां पे ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे 98,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे मैं फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कल के दिन मैंने क्या किया था, 1:22 पर आपको सिग्नल दिया था बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए। और ये सिग्नल के अगर आप डिटेल देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सिग्नल में हमारा रिस्क जो था वो मात्र 36 पॉइंट का था, और रिवॉर्ड हमें जो मिला हुआ है वो 127 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिला हुआ है, और एग्जैक्टली डे लो के ऊपर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इस लो को मैंने कौन से बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया था, ये प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के ऊपर, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन चेन में आप किस तरीके से देख सकते हो। तो अभी ये हो गया लाइव प्रूफ आपके सामने। अभी देख लेते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये जो लेवल है, ये इस लेवल को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर भी यूज कर सकते हो, सपोर्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। मैं पहले आपको सपोर्ट के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मान लो कि मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ऊपर चला गया थोड़ा सा, फिर दोबारा मार्केट नीचे आके जो ये प्रीवियस लेवल है जहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, सपोज इस लेवल के ऊपर मार्केट 2-3 बार टच करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल वीक होते जा रहा है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ लीजिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे सेलर जो थे वो सेलर ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने मार्केट को नीचे ला गया। जैसे ही सेलर ने मार्केट को नीचे लाया, फिर दोबारा बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा सेलर एक्टिवेट हो गए और फिर नीचे लेके आए। फिर बायर ने ट्राई किया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं लेके गए। फिर बायर ने दोबारा ट्राई किया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं लेके गए। तो अभी इस केस में क्या होता है, जो बायर लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा उनका स्टॉप लॉस ये लेवल के नीचे रहेगा, जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा उनका स्टॉप लॉस ये लेवल के नीचे रहेगा, जो फिर दोबारा यहाँ पे बाय किया रहेगा इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, बहुत जोर से मार्केट नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बायर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वो एक तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। अभी ये ट्रैप जो होते हैं, ये आप ऑप्शन चेन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने क्वांटिटी में लोग ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन से ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे सेम लॉजिक को आपको चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। मैं चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मार्केट नीचे आ गया, फिर बायर लोगों ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या हो गया, दोबारा मार्केट नीचे आ गया। ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे, फिर दोबारा ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, फिर सेलर एक्टिव हो गए, फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन वहां पे भी नाकामयाब रहे और फिर मार्केट नीचे आ गया। मतलब ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा, ये लोगों का स्टॉप लॉस जनरली इस लेवल के नीचे रहता है। जो लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया रहेगा, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रहता है। जो लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया रहेगा, जनरली वो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया। तो ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक। अभी मैं आपको बताता हूँ एंट्री और एग्जिट आपको किस तरीके से प्लान करने हैं। एंट्री और एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ज्यादा फोकस लोग एंट्री पे करते हैं लेकिन एग्जिट के ऊपर ज्यादा लोग फोकस नहीं करते। तो अभी एंट्री कहाँ पे लेना है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे यहाँ तक मार्केट चला गया था, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट के नीचे हम लोगों को एंट्री लेना है 1-2 पॉइंट छोड़ के। मतलब यहाँ पे मान लो कि 35,519 का लेवल था, तो ये 35,519 के 2-3 पॉइंट नीचे आप एंट्री का
एंट्री का ऑर्डर लगा सकते हो। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है, मार्केट जब ये ऊपर स्विंग हाई लगा के फिर नीचे आ गया है तो इस स्विंग हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है। ये हो गया एंट्री का रूल। अभी एग्जिट में दो टाइप के एग्जिट होते हैं, पहला होता है स्टॉप लॉस का एग्जिट और फिर दूसरा होता है प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट। प्रॉफिट बुकिंग में दो टाइप के प्रॉफिट बुकिंग रहते हैं, एक तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हो। तो अभी मैंने एग्जिट में आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये बता दिया। अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, तो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री कर लिया, हम लोगों को 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लो। फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लो। फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लो। इस तरीके से आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हो, तो जैसे ही आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है आप क्या कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉस को उठा के आप एंट्री प्राइस के करीब ला सकते हो। फिर क्या होगा, जब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:1 के ऊपर ला सकते हो। फिर दोबारा जब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा तो दोबारा आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहां पे ला सकते हो। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अभी मैंने आपको यहाँ पे देखा रहेगा, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि 35,186 पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओ। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लो लगाया था 78-79 के करीब, मतलब सिर्फ 5-6 पॉइंट मार्केट वहां से नीचे गया जहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट दोबारा ऊपर घूम गया। तो ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया था, आप देख सकते हो जहां पे हम लोगों ने सेल कर दिया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, सिर्फ 5-6 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला आ गया। तो ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया था, ये मैंने आइडेंटिफाई किया था ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। ऑप्शन चेन में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में हम लोग कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखते हैं। अभी जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन में सिखा दिया, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा इनका स्टॉप लॉस इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रहेगा, यहाँ पे जो बाय किया रहेगा इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया रहेगा इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे कितने सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हो जाएंगे, वो ट्रिगर होने की वजह से बड़ा मोमेंटम में मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मार्केट कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है उस स्ट्राइक प्राइस के करीब का आपको ऑप्शन चेन में जाके ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है। जब आपको पता चलेगा कि अभी वो टाइम का ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में हम लोगों ने 1:50 के करीब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिया हुआ था, और यहाँ पे मैंने आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगाया हुआ है वो 1:50 का ही लगाया हुआ है। तो ये ऑप्शन चेन में आपको दिखाई दे सकता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का चेंज हो रहा है, और ये ओपन इंटरेस्ट के चेंज को हमें कंबाइन करना पड़ता है पीसीआर के साथ। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। ये पुट कॉल रेशो के बारे में मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको ओवरबॉट सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है और ओवरसोल्ड सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है। तो जब भी मार्केट को रिवर्सल देना रहता है, मान लो कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, जब मार्केट का पीसीआर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, तब मार्केट वहां से नीचे आना चालू हो जाता है। उसी तरीके से ओवरसोल्ड मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है एक पीसीआर पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर जाता है, तो वहां से दोबारा मार्केट में रिवर्सल दिखाई देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इस ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन को जब आप समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है और कहां से हम लोगों को प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ये सब ऑप्शन चेन के डिटेल में मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फ्री वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के डिटेल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आपको बैक टेस्टिंग करना है। मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा करके आप काम मत चालू कीजिए।
पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग में पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। फिर बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि लाइव मार्केट में आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। जब फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे तब जाके आपको लाइव मार्केट में इसमें काम करना है। लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, पहले आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है। जब स्मॉल क्वांटिटी वाला जो आपका अकाउंट है वो लगातार दो बार डबल हो जाएगा तब जाके आप बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। तो इस तरीके का अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो इस तरीके का आपका रोड मैप होना चाहिए। पहले मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको डिटेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने आपको एंट्री का भी रूल बताया, एग्जिट के भी सभी रूल बताए। एग्जिट में मैंने आपको बताया कि ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है, पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करना है, टारगेट कैसे बताना है, ये सब मैंने बता दिया। अभी इसको सीखने के बाद ये स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इस रोड मैप को आप फॉलो कीजिए। जब आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो आपका जो लॉस होता है, आपका जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है उससे आप बच जाओगे। लॉस का जो दर्द होता है, अगर वो दर्द आपको नहीं सहना है तो पहले थोड़ा मेहनत करना सीखिए। ये मेहनत में मेरे तरफ से मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, लेकिन ये बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको खुद को करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यस ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है। प्लस इससे आप में पेशेंस डेवलप हो जाएगा कि अगर हम लोग वेट करना सीखेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। और ये कॉन्फिडेंस और पेशेंस जो है ये एक बार आप में डेवलप हो गए तो जो साइकोलॉजिकल स्किल लगते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए वो सभी स्किल आप में आ जाएंगे। बैक टेस्टिंग कैसे करना है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फॉरवर्ड टेस्टिंग का कैसे करना है उसका भी मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना के रखा है। तो ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।